हेलो हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम तोमर और मैं आपका न्यू व्लॉग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, सुबह के 8:30 बजे है, सब लोग जा चुके हैं। मैंने उधर की बेडशीट भी चेंज कर दी है और इधर वाली भी बेडशीट ये चेंज कर दी है और ये बेडशीट इकट्ठी कर ली है। ये कुछ कपड़े इनको वॉश करूंगी आज, हाथ से ही ये वॉश करूंगी बेडशीट वगैरह और ये कपड़े, क्योंकि ये तो कपड़े हैं न्यू, बच्चों के स्वेटर वगैरह हैं और ये बेडशीट भी न्यू है। तो इसका कलर डार्क है, इसका कलर थोड़ा लाइट है, इसलिए अलग अलग वॉश करना पड़ेगा इनको, इसलिए हाथ से ही वॉश कर दूंगी, क्योंकि मशीन में हो सकता है कलर निकले और एक दूसरे कपड़े में लग जाए। तो बच्चे जा चुके हैं और बच्चे करके गए हैं ब्रेकफास्ट, लेके भी गए हैं नमकीन जमे। मैंने सुबह ही ब्रेकफास्ट में नमकीन जमे बना दिए थे झाड़ू वगैरह लगाकर। ये हम दोनों लोगों के बचे हुए हैं ये जमे, और बच्चे वगैरह अपने लेकर चले गए हैं और ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं। तो करते हैं अपने काम की शुरुआत। तो बेडशीट वगैरह तो पहले ही चेंज कर चुकी हूँ, इनको वॉश करूंगी, उससे पहले कर लेती हूँ झाड़ू पोछा। तो कल की करती हूँ अपने काम की शुरुआत।
मैं आपका अपना न्यू ब्लॉगर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। सुबह के मुझे है 12:45, सुबह दोपहर ही होने वाला है और मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे, वो मैं धुलकर आई हूँ और अभी चलती हूँ पूजा घर में, क्योंकि देवता अभी मैंने विदा नहीं किए हैं, देवता भी जाते हैं गंगा स्नान के लिए, तो अभी उनको विदा कर देती हूँ। विदा का मतलब है कि वो जहाँ पर बनाए थे अभी बने ही हुए हैं, आज उनको ऐसे करके मतलब साफ कर दूंगी, तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है साफ धुला, मतलब साफ कपड़ा ले लिया है, पोछा से नहीं करूँगी, पहले उनको भेज कर तब पूजा घर में पोछा लगाऊंगी। तो चलती हूँ पूजा घर में और उनको भेज देती हूँ गंगा स्नान के लिए, देवता भी पहुँच जाएंगे परसों तक गंगा स्नान, क्योंकि परसों है ना गंगा स्नान, तो आज है दिन बुधवार शुक्रवार का है, तो चलती हूँ पूजा घर में पोछा लगा लेती हूँ और देवता महाराज को विदा कर देती हूँ। और कपड़े मेरे सूख रहे हैं बाहर, उसके बाद बनाऊंगी लंच। अभी ये देवताओं को भी भेज देती हूँ गंगा जी, क्योंकि अभी परसों का है नहान, तो परसों तक ये पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। तो फ्रेंड देवताओं को तो मैंने भेज दिया है, हाथ जोड़ लिए हैं भेजकर गंगा स्नान के लिए। अभी लगा देती हूँ मंदिर में पोछा, क्योंकि मैं करूँगी अभी पूजा, पूजा मेरी नहीं हुई है, तो यहाँ पर ये काम निबट चुका है और अब फटाफट से कर लेती हूँ पूजा और मिलती हूँ आपको बाद में। फ्रेंड्स आ गई हूँ पूजा करके, अभी 12 बजने ही वाले हैं, 2 मिनट बचे हैं, तो 12 बजे से पहले पूजा तो हो गई है लेकिन काफ़ी लेट हो गई हूँ, लंच बनाना है, लंच में बनाऊंगी आलू बैंगन, उससे पहले कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में ये नमकीन जो मैंने बनाए थे ये खाऊंगी दही के साथ, तो कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे आलू बैंगन बनाने हैं, तो यहाँ पर ये मैंने लहसुन प्याज और अदरक काट लिए हैं, इसका बनाऊंगी पेस्ट, टमाटर हरी मिर्ची बैंगन आलू सब काट के तैयार कर लिए हैं और अभी बना लिया है लहसुन प्याज का पेस्ट, मसाले ले लिए हैं और ये है पेस्ट, रख ली है कढ़ाई और डाल दिया है सरसों का तेल, क्योंकि सारी सब्जी ही सरसों के तेल में बनाती हूँ। तेल को गर्म होने के बाद जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है, वैसे तो खैर सब्जी सबको बनानी आती ही है लेकिन कुछ लोगों को नहीं आती है, तो यहाँ पर ये मैंने जो अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट बनाया है वो डाल दिया है कढ़ाई में, उसको एक मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें मसाले ऐड कर दूँगी, मसाले में मैं मसाले भी डालूँगी सब्जी में, यहाँ पर धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है और अभी डाल देती हूँ नमक, नमक मैं हमेशा पहले ही डाल देती हूँ क्योंकि थोड़ा आइडिया तो होता ही है कि सब्जी इसमें है तो चिकन मिल जाएगा, यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, काटे सकते हैं मसाले को तेल लगा है, मसाले को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तो यहाँ पर मसाला फ्राई हो गया है, कढ़ाई में तेल फ्राई होना है और यहाँ पर डाल देंगे टमाटर हरी मिर्ची, उनको भी तेल मिलकर मसाले को फ्राई कर लेंगे, जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तब मैं इसमें सब्जी मिक्स करूँगी। यहाँ पर मसाले बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, टमाटर और हरी मिर्ची मैश हो चुकी है, अभी जो मैंने आलू बैंगन कट करके रखे हुए हैं उनको इसमें मिक्स कर दूँगी और मसाले के साथ 2 मिनट तक तो ऐसे ही फ्राई करूँगी, इनको अच्छे से चला दूँगी जिससे कढ़ाई में चिपके ना और अच्छे से मसाला भी सारी सब्जी पर लग जाएगा। यहाँ पर इनको मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है और ये ले लिया है लगभग 3-4 टेबल स्पून पानी मिक्सर जार में, क्योंकि मिक्सर जार भी साफ़ हो जाएगा और सब्जी हमारी बनके हो गई है तैयार। बहुत ज़्यादा सूखी सब्जी मेरे घर में नहीं खाई जाती है, तो यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसको बना लिया है, सब्जी अच्छे से गल भी गई है और अच्छी सी बनके तैयार हो गई है, अभी फटाफट से बना लेती हूँ।
रोटियाँ। तो यही था आज के लंच में लस्सी रोटी वगैरह। कढ़ी और अगर दाल वगैरह बनाई जाती है तो चावल भी बनाती हूँ, लेकिन सब्जी के साथ तो बस खाली रोटियाँ ही बनाऊँगी। और यहाँ पर फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि सब लोग आ चुके हैं, सब लोग आ जाते हैं 1 से 1.30, और छोटा बेटा आता है थोड़ा लेट, तो यहाँ पर सबको भूख भी लगी है, लंच का टाइम भी हो रहा है, तो फटाफट रोटियाँ बना के कर लूँगी इकट्ठा, और सब लोग फिर खा लेंगे रोटियाँ। तो यहाँ पर मैंने रोटियाँ भी सेक ली हैं और दे देती हूँ सब लोगों के लिए खाना। लंच हो चुका है सब लोगों का, और अभी बना दी है मैंने चाय। इधर चाय बन रही है, पी लेते हैं चाय, क्योंकि 3 बज चुके हैं। लंच भी थोड़ा लेट ही हुआ था, धोने के बाद थोड़ा सिर भारी सा हो गया है, तो चाय बना ली है, क्योंकि कोई आया हुआ भी है, तो पहले पी लेते हैं चाय, मिलते हैं आपको बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है रात का टाइम, लगभग बजे हैं 6, तो मैं कर रही हूँ पकौड़ी बनाने की तैयारी, क्योंकि मुझे बनानी है कढ़ी। तो यहाँ पर मैंने बेसन का मिक्सचर बना लिया है। कढ़ी मैं चाहे थोड़ी ही बनाऊँ, लेकिन पकौड़ी वाली ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर कढ़ी मुझे थोड़ी बनानी है, शाम का टाइम है डिनर का, और थोड़ी सब्ज़ी बची हुई है आलू बैंगन की, उसके साथ कढ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये मैंने पकौड़ियाँ बना के कर ली हैं तैयार। अभी लगा देती हूँ तड़का। तो तड़का लगाती हूँ हमेशा लहसुन प्याज जीरा और मेथी दाने से। सबसे पहले तो जीरा हींग डालती हूँ, फिर मेथी दाना, फिर लहसुन, फिर प्याज। तो यहाँ पर हमारा डिनर भी हो गया है तैयार, कढ़ी रोटी सब्जी जो बची हुई थी। तो डिनर कर लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स डिनर भी हम लोगों का हो चुका है, और अभी बजे हैं 9:30। मैं खाना खाने के बाद बाहर चली जाती हूँ घूमने के लिए। आधा घंटा घूमकर आ गई हूँ बाहर से, और अभी करते हैं सोने की तैयारी, क्योंकि सब लोगों का दूध वगैरह सब हो चुका है और बच्चे पढ़ रहे हैं। सोने की तैयारी कर लेते हैं, अभी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं, अच्छी लगती हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।